मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। तो दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर आप लोगों का मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा और किन किन लोगों का यहाँ पर जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और किस दिन से यहाँ पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा, और किस दिन से यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, और कब से यहाँ पर आप लोग जो है ट्रेनिंग लेना भी स्टार्ट कर देंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों जब आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है, और यहाँ पर अगर आप प्रतिष्ठान देखेंगे तो यहाँ पर 12,181 यहाँ पर जो है अब तक यहाँ पर जो प्रतिष्ठान पंजीकृत कर चुके हैं, और खाली यहाँ पर कितना पद है तो कुल यहाँ पर पद देख पा रहे हैं 44,657 यहाँ पर 57 पद अभी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। जैसे जैसे यहाँ पर प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको पद जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और टोटल अभ्यर्थी की बात करें तो यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी 4,31,283 अभ्यर्थी यहाँ पर अब तक जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों इनका मेरिट लिस्ट जो है वो आपको इसी पोर्टल पर जारी किया जाएगा। जब यहाँ पर जारी होगा तो आपको इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा अपना मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए, जिससे कि आप क्लिक करके अपना जो मेरिट लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप कहाँ पर जो अलाउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि कब यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा, तो जैसे अभी हम यहाँ पर और देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो सारी जानकारी दी गई है, और इनका जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि इस पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई रखी गई है। अगर आगे जा करके डेट बढ़ता है तो आपको मेरिट लिस्ट जारी होने में भी टाइम लगेगा। अनुमान है कि इनका जो मेरिट लिस्ट है वो 31 जुलाई के बाद ही यहाँ पर जो जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना मेरिट लिस्ट चेक करेंगे कि आप कहाँ पर अलाउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर भी देख पा रहे कि साफ तौर पर बताया गया है कि 31 जुलाई 2023 के बाद से युवा प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंधन हस्ताक्षर की ऑनलाइन की कार्रवाई होगी, यानी कि 31 जुलाई के बाद आपका जो फॉर्म है वो चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर किन लोगों का सिलेक्शन होगा तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि किसी स्टूडेंट का 12th में उनका जो मार्क्स है वो 60% से ऊपर है, और आपने भी 12th ही यहाँ पर जो अपना क्वालिफिकेशन डाल करके फॉर्म भरा था, जो भी आपने कोर सिस्टम को सिलेक्ट किया है, और आपका जो 12th में जो परसेंटेज है जो मार्क्स है वो 50% है, तो उनका सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। अनुमान है कि एक सीट के लिए यहाँ पर जो है 3 लोग फाइट करेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है, और यहाँ पर जो सबका सिलेक्शन नहीं होगा ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख पा रहे साफ तौर पर बताया गया योजना के तहत प्रतिवर्ष 1,00,000 युवाओं को ही लाभ दिया जाएगा। भले यहाँ पर 4,00,000 आवेदन है या 5,00,000 आवेदन है मिलेगा, लेकिन इनका जो लाभ है वो 1,00,000 युवाओं को ही लाभ दिया जाएगा। और अगर इनका दूसरा चरण चलता है तो आपको अगले साल से फिर से यहाँ पर जो आवेदन करना होगा, तो फिर से यहाँ पर 1,00,000 युवाओं को लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है और सिलेक्शन मार्क्स के बेसिस पर ही किया जाएगा, उसी हिसाब किए जाएंगे। होगा उनका उन लोगों को ट्रेनिंग। दोस्तों अगर आपने भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर आप लोगों का मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा और किन किन लोगों का यहाँ पर जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और किस दिन से यहाँ पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा, और किस दिन से यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, और कब से यहाँ पर आप लोग जो है ट्रेनिंग लेना भी स्टार्ट कर देंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों जब आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है, और यहाँ पर अगर आप प्रतिष्ठान देखेंगे तो यहाँ पर 12,181 यहाँ पर जो है अब तक यहाँ पर जो प्रतिष्ठान पंजीकृत कर चुके हैं, और खाली यहाँ पर कितना पद है तो कुल यहाँ पर पद देख पा रहे हैं 44,600 यहाँ पर 57 पद अभी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। जैसे जैसे यहाँ पर प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको पद जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और टोटल अभ्यर्थी की बात करें तो यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी
431,283 अभ्यर्थी यहाँ पर अब तक जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों इनका मेरिट लिस्ट जो है वो आपको इसी पोर्टल पर जारी किया जाएगा। जब यहाँ पर जारी होगा तो आपको इस थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा अपना मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए, जिससे कि आप क्लिक करके अपना जो मेरिट लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप कहाँ पर जो अलाउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि कब यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो जैसे अभी हम यहाँ पर और देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो सारी जानकारी दी गई है और इनका जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि इस पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई रखी गई है। अगर आगे जा करके डेट बढ़ता है तो आपको